हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जुलाई 2024 में लगने वाले लोक अदालत के बारे में। फ्रेंड्स, 13 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपने कोई भी मैटर है कोर्ट में, सिविल हो क्रिमिनल हो, जो लोक अदालत में सेटलमेंट किया जा सकता है, उसका सेटलमेंट आप 13 जुलाई 2024 को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मई 2024 में लगने वाली लोक अदालत उत्तर प्रदेश में कैंसिल हो गई थी, उसके बदले 13 जुलाई 2024 का लोक अदालत लगाई जा रही है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। अगर आपका कोई ट्रैफिक चलान है जिसको आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आगामी 13 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश में सेटल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक सवाल बार बार आता रहता है कि मेरी गाड़ी जो है दिल्ली की है, मेरा चालान उत्तर प्रदेश में कटा हुआ है, तो क्या मैं इसमें दिल्ली में सेटलमेंट करना है या फिर उत्तर प्रदेश में सेटलमेंट करना है? फ्रेंड्स, इसका सीधा सा जवाब है, आपका चालान जिस स्टेट में कटा होता है उसी स्टेट के उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका लोक अदालत में चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी यूपी में रजिस्टर्ड है, आपका हरियाणा में, राजस्थान में, कहीं भी आपका चालान कटा हुआ है, तो आप उसको यूपी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है कि आपका चालान जिस स्टेट की पुलिस ने काटा हुआ उसी स्टेट में आपका चालान का सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका चालान उत्तर प्रदेश पुलिस ने काटा हुआ है, तो आप बिल्कुल 13 जुलाई 2024 को लगने वाले लोक अदालत में आप अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप गाजियाबाद या नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में आपका कोई चालान कटा हुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेटलमेंट कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और कम से कम अमाउंट में अपने चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे आप हमें रिप्लाई करके कन्फर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।